हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो गाइस, अगर आपने वीवो Z1 Pro या फिर किसी भी प्रकार का वीवो का स्मार्टफोन ख़रीदा है और आप ऐसे में बहुत ही परेशान है कि आपके इस मोबाइल पर बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट खर्च हो रहा है आपके हिसाब से, तो गाइस आपने जो भी फ़ोन ख़रीदा है वीवो का, तो ये जो है सब में वार करता है। तो गाइस, इस वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में जिसको आप ऑन करने के बाद आपका जो है इस मोबाइल वीवो का स्मार्टफोन पर इंटरनेट बहुत ही कम यूज़ होगा। तो गाइस, वीडियो को देखते रहेगा एंड तक, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस करना, ताकि मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन देख सकते हैं, डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद डाटा मॉनिटर के ऊपर क्लिक करना है, और उसके सामने कुछ आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो गाइज़, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं सिम 1 पर इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। और अगर आप सिम 2 पर यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे थर्ड नंबर का ऑप्शन नेटवर्क मैनेजमेंट, उसके ऊपर क्लिक करना है। और गाइज़, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है मैंने सभी को जो है ऐसा करके रखा है, जो यहाँ पर आप लोग टॉप राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं वाईफाई एंड डाटा नेटवर्क, तो ये जो है राइट का टिक मार्क, उसको आप जो है ऑफ़ कर देना है। तो ऐसे, तो गाइज़ इस तरीके से जो आपको सभी एप्लीकेशन पर जो इस तरीके से टिक मार्क लगा देना है। और उसके बाद बैक पे आना है, और नीचे आप लोग थर्ड 4 नंबर ऑप्शन पर देख सकते हैं डाटा सेविंग मोड, तो उसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ पर जो है ये वाला जो है डाटा सेविंग मोड, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपके जो है नोटिफिकेशन बार पर जो है कुछ ऐसा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ये जो है वाइट लिस्ट ऐप, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये जो है आप लोग देख सकते हैं 2-4 ऐप्स जो यहाँ पर जो है ऑन है और कुछ जो है ऑफ है। तो इसका मतलब है कि आप मान लो यहाँ पर मैं ईमेल को ऑफ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक मैसेज शो कर दे रहा है व्हेन डिजेबल डाटा नेटवर्क विल बी अनअवेलेबल फॉर दिस ऐप इन बैकग्राउंड। इसका मतलब आप सभी ऐप्स को आप डिजेबल कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइज़, आपके हिसाब से आप जो भी ऐप यूज़ नहीं कर रहे हैं आप इसे डिजेबल कर सकते हैं। तो मैंने जो है कुछ ऐप को ऑन रखा है अपने हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर उसके बाद मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, बाद में ऑन करूँगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप जब इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तब जा कर के आप इसे ऑन कीजिएगा। इससे पहले अगर आप ऑन करोगे तो आपके जो है नोटिफिकेशन बार पर कुछ इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसको मैं फ़िलहाल करता हूँ ऑफ, और यहाँ पर मैं उसके बाद आप लोग सिंपली बैक पे आना है। और बैक पे आने के बाद आप लोगों को नीचे आना है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोर सेटिंग, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और नीचे आना है। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके मोबाइल पर हो सकता है डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा हो, तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली अबाउट फ़ोन पर आना है। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन, तो आप लोगों को इसके ऊपर सिंपली तब तक क्लिक करते रहना है जब तक ये नहीं शो कर रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। तो अभी जो है मैंने इसके ऊपर क्लिक करके जो है डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लिया है। तो आप लोगों को सिंपली डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने जो है डेवलपर ऑप्शन को ऑन किया हुआ है। तो आप लोग यहां पर जब ऑन करेंगे तो आपके जो है टॉप राइट कॉर्नर पे चार्जर, यहां पर बैटरी का जो है परसेंटेज दिखा रहा है, वहां पर एक रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। तो आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं वो इसका भी मैंने इसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाया है, तो आप लोगों को आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूँगा। आप लोग इसे रिमूव कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को आप जब ऑन करोगे, और उसके बाद आप लोगों को सिंपली नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो है स्टैंडर्ड लिमिट पर रहता है हमेशा, तो आप लोग चाहे तो इसे एट मोस्ट 3 प्रोसेस यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर रेकमेंड करूँगा आप लोग 5 नंबर ऑप्शन पर ही आप लोगों को क्लिक करना है, एटमोस्ट 3 प्रोसेस पर, क्योंकि ये जो है 3 ऐप्स को जो है ये चालू रखता है और बाकी सभी को जो है ये बैकग्राउंड जो है ये ऑफ़ कर देता है। तो इसके लिए मैं आप लोग कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सिंपली एटमोस्ट 3 प्रोसेस पर ही रख देना है, ताकि आपका 3 ऐप चालू रहे। और अगर आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस करते हैं तो आपका हो सकता है मोबाइल थोड़ा सा लैग करे, तो इसके लिए मैं एटमोस्ट 3 प्रोसेस पर क्लिक कर देता हूँ।
और यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि आप जब स्विच ऑफ करके ऑन करोगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड लिमिट पर ही आ जाता है। तो गाइज़ उसके बाद आप लोगों को सिंपली बैक पर आना है, इसे तीन नंबर एटमोस्ट थ्री प्रोसेस पर रखने के बाद, और बैक पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोगों को सिंपली यहाँ पर आप लोगों को होम स्क्रीन पर आई मैनेजर का ऑप्शन एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन चार नंबर का जो है ऐप मैनेजर, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं परमिशन मैनेजर मैनेजमेंट, तो इसके ऊपर भी आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पर टॉप ऑप्शन जो कि आप लोग देख सकते हैं ऑटो स्टार्ट, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो फिलहाल मैंने सभी एप्लीकेशन को ऑफ करके रखा है, तो हो सकता है आपके मोबाइल पर दो चार एप्लीकेशन ऑन रहेगा, तो आप लोगों को सिंपली सभी एप्लीकेशन को ऑफ कर देना है ताकि ये एप्लीकेशन ऑफ रहे, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट ना हो। तो गाइज़ यही थे चार पांच सेटिंग्स, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपका इंटरनेट बहुत ही कम यूज़ होगा। गाइज़ मैं बता रहा हूँ, मैं खुद इसे यूज़ कर रहा हूँ दो चार दिनों से, तो ये जो है मेरा इंटरनेट पहले बहुत ही खर्च होता था, तो अब जो है बहुत ही कम यूज़ होता है खर्च होता है। तो गाइज़ उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना सब्सक्राइब करके, और बेल नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस करना ताकि मेरा हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।